दोस्तों, आज मैं बॉम्बे बिरयानी बनाने जा रही हूँ। पहले पुलाव बनाने जा रही हूँ। गरम हो चुका है, अब इसमें ऑयल पड़ेगा। काजू बादाम को तल लूंगी। काजू बादाम हमने तल लिया है, अब प्याज तलूंगी। प्याज को तल के निकाल ली हूं। अब इसमें देसी घी पड़ेगा, छोटी इलायची, मैंने इसको कूट लिया है, लौंग, तेज पत्ता, बड़ा था इसलिए मैंने तोड़ लिया, जीरा और मरीच, हरा मिर्च। तड़का जल चुका है, मैंने चावल आधा घंटा पहले धुल ली थी। अब इसको चावल को इसमें डाल के फ्राई कर लूंगी। अब चावल को अच्छी तरह से चला चला कर फ्राई कर लूंगी। अब चावल फ्राई हो चुका है, 5 मिनट तक नीचे पकड़ रहा है। अब इसमें पानी पड़ेगा, पानी में गरम कर ली थी। दो किलो चावल में हमने 2 लीटर पानी डाला है। 2 लीटर पानी पहले गरम कर ली थी। इसको ढक देना है। अब इस पानी को और चावल को एक ही बार डाल के ढक देना है, पुलाव अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए, मेरा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको चला रही हूँ। अभी इसको 2 मिनट तक ढक देना है। अब गैस बंद करके इसको ढक के रख दूंगी। दोस्तों, अब बिरयानी के लिए कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें तेल पड़ेगा, सरसों का तेल गर्म हो चुका है, और ये तेज पत्ता 3 से 4, 4 छोटी इलायची तड़के के लिए, ये जीरा और काली मिर्च, ये बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, 7 से 8 लाल मिर्च। अब ये सब तड़का अच्छी तरह जल चुका है। अब इसमें कटी हुई प्याज पड़ेगा, मैंने 1.5 किलो प्याज भी काट लिया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है प्याज को। अब प्याज फ्राई होने ही वाला है, आधा फ्राई हो चुका है। प्याज में 50 ग्राम अदरक पड़ेगा, 50 ग्राम लहसुन डा हुआ, थोड़ा सा हींग पड़ेगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको भी साथ में भून लेना है। बॉम्बे स्टाइल चिकन बनाने के लिए चिकन को पहले अच्छी तरह से नमक, थोड़ा सा और हल्दी और नींबू डाल करके इसको गर्म पानी में धुल लेना है। अब धुल करके सब चिकन को एक थाली में निकाल लूंगी। चिकन को अच्छी तरह से गर्म पानी में धुल के निकाल ली हूँ। प्याज भुना चुका है, अब चिकन को डाल करके इसे मिक्स कर लूंगी।
बिरयानी मसाले को एक कटोरी में निकाल लेना है। किलो चिकन बनाने में बॉम्बे स्टाइल बिरयानी वाला चिकन बनेगा, 2 पैकेट बिरयानी मसाला पड़ेगा, 1 पैकेट गरम मसाला पड़ेगा। अब इसमें पानी पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से मिला लेना है सारे मसाले को। अब मिलाए हुए मसाले को इस चिकन में डाल देना है। इसमें 1 कटोरी दही पड़ेगा, 1/4 कप अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बड़े चम्मच से 1 चम्मच नमक पड़ेगा, 1/6 चम्मच हल्दी पड़ेगा, मेरी लाल मिर्च थोड़ा सा पड़ेगा। अब सारे मसाले को मिक्स करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। इसको 2 मिनट तक और बॉईल करूंगी। अब इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल कर ली हूँ। अब इसमें 1 कटोरी गरम पानी पड़ेगा। अब इसको 2 से 3 सीटी लगा लेना है बंद करके। पुलाव को एक बर्तन में निकाल लूंगी। ये कितना अच्छा पुलाव बना है। बिरयानी वाला चिकन बनकर तैयार हो चुका है। दम लगाने के लिए घी पड़ेगा, इसको अच्छी तरह मिला लेना है, पूरे बर्तन में लगा लेना है अच्छी तरह से। अब घी लगा करके नीचे चावल लगा कर दम करना है। पहले चावल का लेयर, फिर चिकन का लेयर। लगाना है अच्छी तरह से। अब फिर चावल का लेयर। अब फ्राई किया हुआ प्याज पड़ेगा ऊपर से, काजू बादाम, अब धनिया का पत्ती ऊपर से। अब गैस जला करके 5 मिनट तक हल्के आंच पर दम करके रख देना है बॉम्बे बिरयानी को। दोस्तों, बॉम्बे बिरयानी बनकर तैयार हो चुका है। बहुत मस्त बना है। आप सब लोग बनाकर बॉम्बे बिरयानी ऐसे खाइएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।